नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे NBE रिक्रूटमेंट की। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, वैकेंसी निकली है कनिष्ठ सहायक और वरिष्ठ सहायक की, और ये जो डिपार्टमेंट है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में। दोस्तों, मैं आपको एक अतिरिक्त जानकारी दे देता हूँ इस मिनिस्ट्री के बारे में। जितनी भी मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट की होती हैं या जो डिपार्टमेंट होते हैं, उनमें जो मेडिकल पे खर्चा होता है, यानी कि मान लीजिए यदि किसी को कोई प्रॉब्लम होती है और अपना ट्रीटमेंट कराता है, तो पहले आपको अपना खर्चा करना होता है, उसके बाद में जब आप मेडिकल बिल सबमिट करते हैं तो रिम्बर्स हो जाता है। मगर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आपकी ये सुविधा कैशलेस होती है, यानी कि आपको अपनी तरफ से पैसा खर्च नहीं करना होता। ये एक अतिरिक्त बेनिफिट होता है इस मिनिस्ट्री में। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये एग्ज़ाम कब होगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन है दोस्तों 20 सितंबर। पहले से ही बता रखा है कि ये परीक्षा कब होने वाली है। लास्ट डेट है इसके आवेदन की 14 अगस्त और फॉर्म जो शुरू होंगे वो 15 जुलाई से ये फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। दोस्तों, सीनियर असिस्टेंट की हम बात करें तो लेवल 7 की ये नौकरी है। 4200 ग्रेड पे 8 वैकेंसी हैं, और यदि हम एज की बात करें तो 27 से कम होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और NBE अपनी तरफ से एग्ज़ाम तो कराएगा ही। जूनियर असिस्टेंट के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी जो आपकी एज है वो 27 से बिलो होनी चाहिए, 10+2 क्वालिफिकेशन है, और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर और बेसिक सॉफ्टवेयर में, यानी कि अगर थोड़ा आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होने चाहिए, बेसिक साथ में MS वर्ल्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, लैन वगैरह के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, और एग्ज़ाम तो ये कराएंगे। इसमें 30 वैकेंसी हैं दोस्तों। फिर हम बात करते हैं जूनियर अकाउंटेंट की। ये लेवल 4 की नौकरी है। लेवल 4 की बात करें 2400 ग्रेड पे, इसमें भी जो एज का क्राइटेरिया है वो 27 से कम का है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स या फिर कॉमर्स में, यानी कि जूनियर अकाउंटेंट में मैथ वाले भी अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं मैथ, क्योंकि और अगर हम बात करें इसके अलावा क्या मांगा गया, डिज़ायरेबल जो क्वालिफिकेशन होती है वो अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, मतलब कोई कंपलसरी नहीं है। वैकेंसी बढ़ाई भी जा सकती है, घटाई भी जा सकती हैं। और यदि हम बात करें यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन, ये देख सकते हैं आप जो कैटेगरी वाइज क्या क्या है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में मैंने आपको बताया कि ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। एज में जो रिलैक्सेशन है वो कैटेगरी वाइज दिया जाएगा, SC ST को 5 साल और OBC को 3 साल, और दिव्यांग अभ्यर्थियों के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, सिलेक्शन जो प्रोसीजर होगा वो आपका होगा, स्टेज 1 की परीक्षा होगी, 200 नंबर की होगी और 200 क्वेश्चन इसके अंदर आने वाले हैं। 180 मिनट के लिए ये परीक्षा होगी, यानी कि 3 घंटे की परीक्षा होने वाली है। दोस्तों, निगेटिव मार्किंग होगी इसमें 1/4, और जो मिनिमम क्वालिफाई नंबर है वो SC ST के लिए 40% और अदर कैटेगरी के लिए 50% होने वाले हैं। जूनियर असिस्टेंट की जो परीक्षा होगी वो 10+2 लेवल का होगा, और सीनियर असिस्टेंट और जूनियर अकाउंटेंट की जो परीक्षा होगी वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा। स्टेज 2 की बात करें हम तो स्टेज 2 में जो है दोस्तों 100 नंबर का होगा और 75 मिनट की ये परीक्षा होने वाली है। इसमें क्या होगा दोस्तों, इंग्लिश का जो है आपको 500 वर्ड दिए जाएंगे, उसे आपको 15 मिनट के अंदर प्रोड्यूस करना होगा, ठीक है। और इसमें लगभग 5 कैंडिडेट, 5 गुना अभ्यर्थी जो हैं वो क्वालिफाई कराए जाएंगे और उन्हें बुलाया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिनिमम SC ST के लिए 40 होने चाहिए और अदर कैटेगरी के लिए 50। तो यहाँ पर लेवल ऑफ पेपर जो है वो सेट किया जाएगा कि कंप्यूटर में क्या क्या पूछा जाएगा, ये आपको बताया जाएगा बाद में। सिलेबस की बात करें स्टेज 1 की, तो यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कंप्रिहेंशन, ये आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50-50 क्वेश्चन जो हैं इसमें होंगे। और फाइनल मेरिट जो है वो आपका स्टेज 1 और स्टेज 2, यानी कि कंप्यूटर और स्किल टेस्ट, इसके आधार पर जो है वो किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरा जानकारी है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप में से कितने लोग हैं जो इसके लिए आवेदन करने वाले हैं, क्योंकि इसकी फ़ीस जो है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा है। मैं आपको दिखा देता हूँ फ़ीस कितनी है। फ़ीस है 1500 रुपये प्लस 18% GST। दिव्यांग, महिलाएं और SC ST के लिए ये फ़ीस निल है। तो यदि आप डालना चाहें तो फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले से ही आपको इसके बारे में पता है कि ये परीक्षा कब होने वाली है,
तो यदि आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। यदि आप करियर गाइडेंस के लिए सीधे मुझसे फ़ोन पर बात करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तरीका बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों, सामान्य ज्ञान के जितने भी मॉक टेस्ट कराए हैं उन सभी की PDF इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। जल्द मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।